नैनीताल जिले के भवाली में स्थित बाबा नीप करौरी का आश्रम कैची धाम आज देश के नामी सितारों के श्रद्धा और विश्वास का केंद्र बिंदु बन चुका है। अब तक इस चमत्कारिक मंदिर में कई नामी सितारे दर्शन कर चुके हैं। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के बाद अब क्रिकेटर सुरेश रैना ने भी कैची धाम में बाबा नीम करौरी के आश्रम में पहुंचकर दर्शन किए हैं। जानकारी के मुताबिक आज सुबह 5 नवंबर को भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना कैची धाम पहुंचे। कैची धाम दर्शन को जाते हुए उन्होंने अपनी पहचान को छुपाए रखने के लिए फेस मास्क का प्रयोग किया। उसके बावजूद भी कई भक्तों की नज़र रैना पर पड़ गई। तभी उनके प्रशंसक सेल्फी लेने के लिए दौड़ पड़े। कैची धाम ट्रस्ट के प्रबंधक प्रदीप साहब भैयू ने बताया कि अचानक सुरेश रैना महाराज के दर्शन के लिए आज सुबह सुबह कैची धाम पहुंचे थे। उन्होंने मास्क पहना हुआ था, जिस वजह से लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। मंदिर में आकर रैना ने महाराज के दर्शन किए, जिसके बाद उन्होंने कैची धाम के ऑफिस में आकर महाराज के बारे में जानकारी ली। भैयूदा ने उन्हें महाराज की तस्वीर और कैची धाम का प्रसाद भी भेंट किया। क्रिकेटर सुरेश रैना ने बताया कि उनकी कई सालों से बाबा के दर्शन करने की काफी इच्छा थी। रैना ने बताया आज वह दिन आया जब बाबा ने आखिरकार उन्हें अपने धाम पर बुला ही लिया। सुरेश रैना ने बताया कि वह जल्द ही अपने परिवार के साथ बाबा के दर्शन करने आएंगे। रैना ने कहा कि उन्हें यहां आकर काफी अच्छा लगा और मन को शांति का अनुभव प्राप्त हुआ है। रैना ने बताया कि उनकी और उनके परिवार की बाबा के प्रति काफी आस्था है। गौरतलब है कि 15 अगस्त 2020 को सुरेश रैना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। सुरेश रैना ने पूर्व कप्तान एमएस धोनी के संन्यास की घोषणा के चंद मिनटों बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेकर क्रिकेट जगत को चौंका दिया था। ऑलराउंडर सुरेश रैना और एमएस धोनी की क्रिकेट में मैच पलटाने की हिट जोड़ी मानी जाती थी। इसके साथ ही रैना ने 6 सितंबर 2022 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से भी संन्यास ले लिया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 18 टेस्ट, 226 वनडे और 78 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले। आपको बताएं कि इससे पहले भी देश के कई नामी क्रिकेटर, फिल्म स्टार, सोशल इन्फ्लुएंसर बाबा के दर्शन कर चुके हैं। दोस्तों, आप बाबा नीम करौरी के प्रति बढ़ती श्रद्धा के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कॉमेंट्स कर अपनी राय जरूर बताएं।